गाइस ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, इसके बारे में आप सभी जानते हैं क्योंकि हर किसी के मोबाइल में कुछ न कुछ ओटीपी आता है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि ओटीपी शेयर करने की वजह से उनका बैंक अकाउंट खाली हो गया। आज के टाइम में आपके पैसे की सिक्योरिटी सिर्फ ओटीपी की वजह से है। अगर गलती से भी ओटीपी किसी को शेयर होता है तो आपका बैंक खाली हो जाएगा। इसी चीज को देखते हुए आरबीआई अब ओटीपी का झमेला खत्म करने वाली है। जी हां गाइस, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओटीपी को क्यों हटाया जा रहा है, ओटीपी अगर हट जाएगा तो ओटीपी के बदले में कौन आएगा, हमारा पैसा सिक्योर कैसे रहेगा, हम किसी को ट्रांजैक्शन करते तो उसमें ओटीपी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इसी ओटीपी की वजह से कई लोग कंगाल हो चुके हैं, ओटीपी को हैक भी किया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आरबीआई का पूरा प्लान क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ टाइम्स ऑफ इंडिया की आप ही आर्टिकल देख सकते हैं, आरबीआई इज प्लानिंग टू चेंज द ओटीपी यू यूज टू ऑथेंटिकेट योर ट्रांजेक्शन। ये 9 फरवरी का आर्टिकल है जिसमें आरबीआई बोल रही है कि वो ओटीपी को चेंज करने का प्लानिंग कर रही है। आप ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन कीजिए, अगर वहाँ पर पेमेंट पे हो रहा है तो उसमें ओटीपी का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है उस पर 6 डिजिट का कोड आता है जिसको आपको शेयर करना होता है, तभी आगे का प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि आप किसी ऐप को डाउनलोड करते हो और उस पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हो तो उसमें भी आपको ओटीपी डालना होता है। तो ओटीपी के मल्टीपल यूज हैं। लेकिन अब यहाँ पर आरबीआई ये बोल रही है कि वो प्रपोज कर रही है टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम ऑफ वेरिफिकेशन डिजिटल ट्रांजेक्शन। यानी कि आरबीआई ऐसा प्लानिंग कर रही है, अचानक से ये बंद नहीं हो जाएगा, उनका पूरा प्लानिंग आएगा कि किस तरह से ओटीपी को रिप्लेस किया जाए और एक नया सिक्योरिंग डिजिटल पेमेंट सिस्टम लाया जाए। आरबीआई के जो अभी गवर्नर है शक्तिकांता दास, उन्होंने क्लियर कहा है कि ओवर द इयर्स द रिजर्व बैंक हैज प्रोटेक्टिवली फैसिलिटेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस मैकेनिज्म सच एज एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन यानी AFA फॉर सिक्योरिंग डिजिटल पेमेंट्स। तो डिजिटल पेमेंट के लिए अभी सबसे सिक्योरिटी चीज है ओटीपी, जो काफी पॉपुलर है। चाहे आप फ्लिपकार्ट से सामान मंगाओ, अमेजोन से सामान मंगाओ, वहाँ पर भी ओटीपी चाहिए। यहाँ पर आरबीआई का ये कहना है कि जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरह से हमें एक अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को चूज करना होगा। हम एक ही चीज के ऊपर लंबे समय के लिए डिपेंड नहीं रह सकते हैं क्योंकि अब ओटीपी को भी हैक किया जा रहा है, इसलिए आरबीआई अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की बात कर रही है। तो क्या चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, उसके लिए आरबीआई ने कहा है कि वो एक डिटेल आउटलाइन उसे जारी किया जाएगा। अब ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? गाइस, इसका सबसे बड़ा रीजन ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक ने क्लेम किया था कि यूपीआई के जरिए 95,000 फ्रॉड यूपीआई ट्रांजैक्शन किया गया है। अब जरा आप सोच करके देखिए कि 95,000 फ्रॉड यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए कितने रुपयों का फ्रॉड हुआ होगा। तो ये चीज हैरान करने वाली है कि अब ओटीपी भी सिक्योर नहीं है। अभी अपने भारत में सिम स्वैप फ्रॉड भी चल रहा है और इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि आपका जो ओटीपी है वो कहां पर आएगा, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। और आज के टाइम में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर हर किसी के पास है और वो हैकर के पास पहुंच जाता है। हैकर के पास आपका मोबाइल नंबर है, वो आपके मोबाइल पर लिंक भेजता है, अगर गलती से आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास चला जाता है। उसके बाद वो उस इन्फॉर्मेशन के जरिए आपके नाम से सिम निकाल लेता है और चूंकि वो आपका डुप्लीकेट सिम निकाल चुका है तो अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका ओटीपी आपके डुप्लीकेट सिम पर आएगा। और जब तक आपको ये पता चलेगा कि आपके नाम से डुप्लीकेट सिम चल रहा है, कोई यूज कर रहा है, तब तक वो लाखों का ट्रांजेक्शन कर चुका होगा। और ज्यादातर ऐसे हैकर या तो आम आदमी जिसको पता न चले और थोड़ा थोड़ा पैसा वो लेते चल जाए, या फिर अमीर आदमी। तो पिछले 2-3 सालों में इस तरह के कई केसेस देखे गए हैं, इसलिए आरबीआई कुछ नया प्लानिंग कर रही है कि ओटीपी के झमेले को खत्म किया जाए और कोई नया सिक्योरिटी सिस्टम लाया जाए। आरबीआई ओटीपी के अल्टरनेटिव में क्या करना चाहती है, इसके बारे में अभी कोई डिटेल रिपोर्ट जारी नहीं किया गया है। लेकिन बेसिकली आरबीआई क्या क्या कर सकती है उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो बताया जा रहा है कि ऐप बेस्ड अप्रूवल आ सकता है कि आप जो भी काम करोगे उसका एक अलग ऐप होगा और जो भी कोड आएगा उस ऐप में आएगा। जिस भी बैंक से आप पैसा का लेन देन कर रहे हो उसका अपना एक अलग से ऐप होगा और आप डायरेक्ट वहाँ से ट्रांजेक्शन कर पाओगे। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव ये है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, ये ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इसमें आपका फिंगरप्रिंट यूज किया जाता है, आगे जाकर के इसमें आपका आई स्कैन भी किया जा सकता है, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मान लीजिए आपको पेमेंट करना है तो ओटीपी तो है ही, लेकिन एक अल्टरनेटिव के रूप में ओटीपी डालने के बाद आपको ये कहा जाए कि आपको अपना फिंगरप्रिंट लगाना है, तो जिस तरह से ओटीपी आ रहा है उस तरह से फिंगरप्रिंट का भी लिंक आएगा। मान लीजिए हैकर के पास आपका ओटीपी है लेकिन उसके पास फिंगरप्रिंट नहीं होगा। इसी तरह आगे जाकर के हम आई स्कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ करके आरबीआई इसे चेंज करेगी। अब ये तो आगे देखने को मिलेगा कि आरबीआई क्या करती है। लेकिन ये दो चीज बताया जा रहा है, एक तो ऐप बेस्ड अप्रूवल और एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिक। जाते जाते आपको एक और चीज बता दूंगा। आपने गाँव वगैरह में देखा होगा कि आधार कार्ड से पैसा निकाला जा रहा है, आप अपना आधार कार्ड दीजिए और अपने फिंगर को स्कैन कीजिए और आपका पैसा निकल जाता है। बताया जा रहा है आरबीआई इसे और बूस्ट करेगी। ये काफी हद तक सही है क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक का यूज हो रहा है, आपका फिंगरप्रिंट का स्कैन किया जा रहा है। इसे भारत की
NPCI ऑपरेट करती है और 2023 में भारत के 37 करोड़ लोगों ने इसका यूज किया है और अपना ट्रांजैक्शन किया है, पैसा निकाला है। इसके अलावा RBI हर साल डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट जारी करती है, जिससे ये पता चलता है कि भारत के अंदर कितने लोग डिजिटल पेमेंट का यूज कर रहे हैं, किस स्पीड से अपना प्यारा भारत डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2023 में डिजिटल पेमेंट की जो संख्या है वो 395.57% बढ़ी थी, जो कि सितंबर 2023 आते आते 418.87% हो गई। यानी कि भारत के अंदर डिजिटाइजेशन लगातार बढ़ते जा रहा है। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। अगर OTP से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है, RBI अगर चेंज कर देती है, कुछ नया प्लान लाती है, तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।